हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिलाई मशीन वाले में। आज हम जानेंगे कि आप अगर एक इंडस्ट्रियल मशीन चलाते हो इस तरीके की, तो आपको कौन सा धागा यूज करना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है धागा टूटने की बार बार। तो चलिए जान लेते हैं कुछ कंपनियां जो कि बढ़िया चलती है। तो आ जाते हैं हम फटाक से धागे पर। देखिए, हमारे पास कुछ इस तरीके से धागे हैं। सबसे पहले है हमारे पास मून। मून बहुत अच्छा धागा है अगर आपको ये ओरिजिनल वाला मिले, डुप्लीकेट वाला धागा नहीं चलता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा टाइगर पॉली। ये लोकल धागा होता है जो कि नॉर्मल तरीके से चलता है। ये जो है फर्स्ट क्वालिटी का, ये सेकंड क्वालिटी का, थर्ड क्वालिटी का धागा है सिल्वर पॉली। और सिल्वर पॉली एकदम लोकल धागा है, तो ये बहुत दिक्कत देने वाले धागे हैं। फिर हम जानते हैं ये सूर्या प्लस। ये मून के बाद आता है जो कि बहुत ही सही आता है और मस्त आसानी से मशीन पर चलता है और टिप वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, बड़े ही आसानी से चलता है। अब देखिए, एक और धागा है हमारे पास रंग पॉली का। ये जो धागा है ये भी लोकल धागा है, मतलब जो इस तरीके के धागे आते हैं ना जिनका माँ बाप कोई नहीं होता है, तो ये लोकल धागे होते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल मशीन पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देते हैं। इसमें चलते हैं बारीक धागे जो कि इस तरीके से आते हैं। और नंबर वन पे आता है हमारा स्पीड पॉली का धागा। ये देखिए, ये जो धागा है ये बड़े ही आसानी से चलता है और बहुत मस्त चलता है और ये टूटने की समस्या नहीं देता है। बहुत ही ऐसा रियर चांस होगा कि ये धागा टूटेगा, पर ये जो धागा है ये बहुत बेस्ट होता है और इंडस्ट्रियल मशीन पे बिना टूटे ये धागा चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको धागा लेना है तो इस तरीके के धागा लो। ऐसे धागे में आप मत जाओ क्योंकि ये धागे दिक्कत देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।